गर्ल्स रिंग है उसकी वीडियो सामने आई जहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे हैं मास्क जिसमें लड़कियां हैं और लड़कियां भी नजर आ रही है। तो ये जो है पत्थरबाजी से तोड़फोड़ से शुरू और उसके बाद जो है अब तस्वीरें आ रही है वीडियो आ रही है लोगों के नाम पता चल रहे हैं जो घायल है और अलग अलग हॉस्पिटल्स में फिलहाल एडमिट है। जाहिर तौर पर जेएनयू एक क्लोज कैंपस है उसके गेट्स को फिलहाल बंद किया गया है। जब तक यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं कहा जाएगा तब तक पुलिस एंटर नहीं होगी, पर फिलहाल स्टूडेंट के लिए अंदर जो स्थिति है वो संभाली नहीं जा रही है। अब स्टूडेंट्स का कहना है कि गुंडागर्दी जो है वो बढ़ती जा रही है, खासतौर पर वो स्टूडेंट जो किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है पर हॉस्टल में रह रही है, वो लगातार हम लोगों को मैसेज के जरिए बात पहुंचा रहे हैं कि उन्हें हॉस्टल में डर लग रहा है। तो ऐसे में फिलहाल यूनिवर्सिटी में फिलहाल सिर्फ पुलिस की एंट्री होने का या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पूरे मामले को कैसे सुलझाती है उस पर सारी नजर रहने वाली है। जी कुशांत, और तस्वीरों में भी अब हम देख रहे हैं दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि अब जेएनयू कैंपस के बाहर भी कुछ छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नारेबाजी की जा रही है। पुलिस का अमला भी बड़ी तादाद में जेएनयू के बाहर दिखाई दिया था पुलिस की ओर से, लेकिन कहना है कि अब तक के कोई सूचना उन्हें यूनिवर्सिटी की ओर से नहीं दी गई है और बगैर उसके वो कैंपस में दाखिल नहीं होंगे। लेकिन प्रियंका, अब ये बड़ी तादाद में छात्र भी बैठे हुए हैं कैंपस के बाहर, ये कौन है, किस लिए नारेबाजी हो रही है? जी बिल्कुल, यही आरोप अभी जब मधुरिमा बता रही थी, इनका कहना है कि एबीवीपी के जो छात्र हैं वो 500 से ज्यादा गेट के बाहर भी मौजूद है। उनका कहना है कि कुछ जो लोग हैं वो अंदर मौजूद है और कुछ लोग बाहर है, पर ये भी हो सकता है कि तमाम लोग जो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं वो क्योंकि जामिया के भी जो स्टूडेंट है वो सॉलिडरिटी दिखा रहे हैं, तो शायद ये भी हो सकता है कि सपोर्ट मिले लोग हो। लेकिन फिलहाल लेफ्ट का कहना है कि ये एबीवीपी के लोग हैं जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी से, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, पुराने जो लोग हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो यूनिवर्सिटी को घेरे हुए हैं। ये आरोप फिलहाल जो लेफ्ट के स्टूडेंट है, साथ ही इन लोगों को कहना था कि पुलिस ने क्योंकि दरवाजे बंद कर लिए हैं तो एम्बुलेंसेज भी अंदर नहीं आ रही है और लोग जो है वो अंदर घायल हैं, उसके चलते दिल्ली सरकार की तरफ से ये मैसेज भी पास किया गया है कि 9 एम्बुलेंसेज को जेएनयू के अंदर भेजा जा रहा है जहां पर जो घायल छात्र हैं जिनको भी एम्बुलेंसेज की जरूरत है वो इस्तेमाल किया जा सके, यानी कि गेट जो है वो एम्बुलेंसेज के लिए फिलहाल खोला गया है। पर तमाम छात्र जो है वो, उनका कहना है कि स्थिति जो है फिलहाल बुखार से खिसकती हुई नजर आ रही है, किसी तरीके से मामला जो है वो शांत नहीं हो रहा है। मामूली रजिस्ट्रेशन को लेकर ये पूरा मामला शुरू हुआ था, फीस हाइक का जो छात्र विरोध कर रहे थे उनका कहना था कि फीस हाइक के विरोध में रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, एग्जाम को चेक करना है। और जैसे ऐसे में ये आरोप एबीवीपी की तरफ से लगाया जा रहा है कि जो छात्र रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे थे उन्हें जबरन रोका गया और उसके बाद ये पूरी जो झड़प है वो सामने आई। प्रशांत, तो क्योंकि कल सोमवार है और कल नया सेशन शुरू होना है, तो ऐसे में लगातार अपील की गई थी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कि आप प्रोटेस्ट को अब खत्म करके जो नया साल है आपका सेमेस्टर है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो पूरा मामला रजिस्ट्रेशन से शुरू हुआ है जो कि फिलहाल मार्केट तक में तब्दील हो चुका है। बिल्कुल, और प्रियंका ये भी दर्शकों की जानकारी के लिए आप बताएं कि शुरू में तो जब फीस हाइक हुई, चाहे वो एबीवीपी से जुड़े हुए छात्र हों चाहे लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन के छात्र हों, लगातार विरोध कर रहे थे कि फीस हाइक कम होनी चाहिए, वापस होनी चाहिए। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन की बात आ रही थी तो रजिस्ट्रेशन का विरोध करने में भी क्या दोनों ही लेफ्ट से जुड़े और एबीवीपी के थे, या फिर यहाँ पर बंटवारा देखा गया? जी बिल्कुल, क्योंकि जो छात्र बाहर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लेफ्ट से संबंध रखने वाले छात्र थे, तो ऐसे में जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का जिस तरीके से लेटर आया और उनका कहना था कि उनकी तरफ से ये काटा गया, तो वहां पर एबीवीपी अपने आप को पहले ही अलग कर चुकी थी। एबीवीपी ने फीस हाइक के विरोध में जो मार्च निकाला वो अकेले निकाला और कहा कि वो फीस हाइक का विरोध करती है, जबकि लेफ्ट के साथ तमाम स्टूडेंट्स जो आम स्टूडेंट्स थे वो भी यहाँ पर जुड़े हुए थे, यानी कि दोनों की सोच एक थी लेकिन फिर भी रास्ते अलग थे। और यहाँ पर भी जब तमाम जो एक कमेटी बनाई गई थी उसके रिकमेंडेशन के बाद जो फीस कम हुई उसके बाद भी जो कुछ छात्र थे वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे और वही जो छात्र थे उन्हीं पर ये आरोप लगा है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन में खलल डालने की कोशिश की, उसको रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट में एबीवीपी आया और इनके बीच में उसके बाद झड़प हुई। जी, तो जो रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा था 5 तारीख तक, यानी कि आज तक उसकी लास्ट डेट थी, तो एबीवीपी भी यूनिवर्सिटी प्रशासन के सपोर्ट में था ताकि छात्र रजिस्ट्रेशन करवा सकें अपने विंटर सेमेस्टर के लिए, लेकिन
लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन लगातार इस तरह के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के खिलाफ थे, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और टकराव की स्थिति शुरू होने लगी थी और दो दिनों से इसी तरह के आपसी विवाद की खबरें भी आ रही थी। लेकिन आज हिंसक झड़प की खबर। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए हम एक बार फिर बता दें, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के भीतर हिंसक झड़प हुई है। लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी पर आरोप लगा रहे हैं। एबीवीपी ने लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन पर यह आरोप लगाया है हिंसक झड़प के लिए। तोड़फोड़ भी भीतर हुई है। लेकिन प्रियंका, अब पुलिस की हरकत भी बढ़ती जा रही है जेएनयू यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाहर। क्या पुलिस को जानकारी दे दी गई है? जी फिलहाल इसकी जानकारी जो है वो हम तक नहीं पहुंची, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन से किस तरीके की बात हम नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल जो छात्र हैं उनका कहना है कि पुलिस जो है वो पहले से ही कैंपस में है। ज्यादा जानकारी इस बारे में मेरे ख्याल से हमारे प्रियंका आप बनी रहे हैं, आनंद तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ हमसे जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या पुलिस को जानकारी मिल चुकी है, पुलिस क्या कार्रवाई करने वाली है? जी देखिए प्रशांत, जो दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी हैं वो जेएनयू प्रीमाइसेस के अंदर है और बिल्कुल जो मेन गेट है वहां पर मौजूद है। जो डीसीपी है यहाँ के साउथ वेस्ट के, वो तमाम जो एसएचओ हैं और जो एसीपी हैं वो यहाँ पर हैं और जो फोर्स है वो बाहर भी सुरक्षा के लिहाज से कानून व्यवस्था न बिगड़े इसको देखते हुए यहाँ पर तैनात कर दी गई है। दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है। बाहर कुछ जो छात्र हैं और कुछ और लोग हैं वो यहाँ पे नारेबाजी भी कर रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर। और अभी लगातार जो जेएनयू प्रशासन के लोग हैं उनसे पुलिस कम्युनिकेशन यहाँ पर संपर्क कर रही है कि कैसे जो सिचुएशन है उसको नॉर्मल किया जाए। हालांकि अभी जो अंदर है वहां पर स्थिति कंट्रोल में नजर आ रही है, जो हम तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं। और जो डीसीपी और तमाम जो अधिकारी हैं वो जेएनयू प्रीमाइसेस में जो मेन गेट एंट्री है जहाँ पर एंट्री होती है एंट्री एग्जिट, वहां पर तमाम अधिकारी इस समय मौजूद हैं और वो लगातार यहाँ पर जो जेएनयू स्टाफ है जो यहाँ पर सिक्योरिटी स्टाफ है उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आनंद, लेकिन अब तक की जानकारी आ रही थी कि दरवाजा बंद कर दिया गया है, भीतर से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, लेकिन अब पुलिस भीतर दाखिल हो चुकी है जो जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन जंजीर से दरवाजे को बंद कर दिया गया है, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है भीतर घुसकर? जी देखिए पुलिस को अंदर बुलाया गया था, उसके बाद ही पुलिस अंदर पहुंची है जेएनयू प्रशासन की तरफ से। और अब पुलिस जो है वो लगातार वहां पे जो जेएनयू प्रशासन के लोग हैं उनसे संपर्क साध रहे हैं कि कोशिश करेगी वो क्या आगे कार्रवाई इसमें चाहते हैं, जो उसके बाद पुलिस उस पर जिस तरह से भी जो लीगल एक्शन बनता है वो पुलिस उस पर लेगी। अभी जो हम सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस जो है वो यहाँ पर अंदर मौजूद है, पुलिस भीतर अब दाखिल हो चुकी है। जानकारी के बाद पुलिस को औपचारिक रूप से इसकी शिकायत कर दी गई कि हिंसक झड़प हुई है कैंपस के भीतर और पुलिस का यह कहना था कि जब तक हमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिलेगी। और इसके बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल का ट्वीट, जेएनयू में हुई हिंसा दुखद है, छात्रों पर हमला किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, लिखा पुलिस को तुरंत हिंसा रोकनी चाहिए, अगर यूनिवर्सिटी में ही छात्र सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे तरक्की करेगा? ये सवाल अरविंद केजरीवाल का है, दिल्ली के मुख्यमंत्री का। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ये हिंसक झड़प, पुलिस अब जानकारी मिलने के बाद भीतर दाखिल हो गई है और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। ट्वीट करते हुए इस हिंसक झड़प को दुखद बताया लेकिन सवाल खड़े किए कि अगर छात्र सुरक्षित नहीं तो देश तरक्की कैसे करेगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह ट्वीट, लेकिन तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस की भी जो अब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दाखिल हो चुकी है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे स्थिति जुड़ रहे हैं। आनंद, अब पुलिस कोई जानकारी दे पा रही है हालात के बारे में? क्या उन्हें पता है, क्या कार्रवाई वो करने जा रही है? जी देखिए प्रशांत, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ जेएनयू प्रीमाइसेस की। ये देखिए, ये मेन गेट है जेएनयू का जहां पर हम खड़े हैं और अंदर देख सकते हैं आप दिल्ली पुलिस यहाँ पर बावर्दी, यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है मौजूद है। तो जो डीसीपी हैं साउथ वेस्ट जिले के देवेंद्र आर्या, जो तमाम एसएचओ हैं एसीपी हैं वो आपको बिल्कुल यहाँ पे प्रीमाइसेस में नजर आएंगे। आप देख सकते हैं ये वसंत कुंज नॉर्थ थाने के जो एसएचओ ऋतुराज है यहाँ पर खड़े हुए, जिनके जुडिडिक्शन में ये जेएनयू प्रीमाइसेस आता है। इसके अलावा जो डीसीपी है विजेंता आर्या वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो एम्बुलेंस की गाड़ी है, देखिए बाहर भी पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर जो है वो डिप्लॉय कर दी गई है जो कानून व्यवस्था वो ना बिगड़े। और एम्बुलेंस यहाँ पर बुलाई गई है जो अब जेएनयू प्रीमाइसेस के अंदर जाएगी, क्योंकि जो लोग घायल हुए थे उनके लिए यहाँ पर एम्बुलेंस आई है। और यहाँ पर कुछ छात्र भी हैं जो लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात उनकी बात उनसे बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, कुछ छात्र उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे स्टूडेंट को वहाँ पीटा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, ये बताइए। असल में बात ये हुई,
असल में बात यह है कि अंदर अंदर में जो नए सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, जो पहले जो विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि फी हाइक कम होना चाहिए, अब जब फी हाइक थोड़ा कम हो गया है, अब जब फी हाइक कम हो गया तो वो मामला शांत हो गया। अब बच्चे नए रजिस्ट्रेशन के लिए अगले सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। असल में जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, जितने भी लेफ्ट वाले अपने लोग हैं वो जाकर के बच्चों को जबरदस्ती वहां से खींच लाए बिना कन्विंस किए। अगर आपको सच में लगता है ये गलत है, आप बच्चों को कन्विंस कीजिए, वहां ले जाके कीजिए। वो दूसरी बात, जाकर के सर्वर रूम का ताला तोड़ दिए, गार्ड से मारपीट किए, ठीक है, वहाँ का तार तोड़ दिए ताकि नेट प्रोसेस चले नहीं, बच्चे पढ़े नहीं। असल में ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए उसके पीछे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। जेएनयू के छात्र हैं? जी, जेएनयू के छात्र हैं। अभी हम बाहर आए हैं तो गेट लगा हुआ है, इसलिए हम अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप ये बात अंदर भी जाइए, अंदर जाके बच्चों से पूछिए। अपने जो अपने जो विद्यार्थी हैं उसके दो तीन हाथ में दो तीन जगह चोटें आई है, टूट गई, किसी के पैर में लगा है, दरवाजा बंद करके लाइटें बंद करके लड़कियों को पीटा गया है, वो बुरी तरह से जख्मी है। अभी वो बाहर ये छात्र जो अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं कि किस तरह से जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार फिर से सीधी तस्वीर दिखाऊंगा। यहाँ पर पूरी पुलिस जो है वो मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात है, और ये सीधी तस्वीरें हैं, ये जेएनयू कैंपस है। यहाँ पर देख सकते हैं जो जॉइंट सीपी हैं आनंद मोहन, वो भी यहाँ पर अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, वो अपने स्टाफ के साथ अभी जो मौका मुआयना करके आए, जहाँ पर पूरी ये झड़प हुई थी, जो हॉस्टल बताया जा रहा है जहाँ पर मारपीट हुई थी दो छात्रों के गुटों में, वहाँ का मुआयना करके आए। और जेएनयू प्रीमाइसेस की तरफ से दिल्ली पुलिस को कॉल मिली थी, उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची है। अभी जब अधिकारी यहाँ से बाहर निकलेंगे तो उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले में जेएनयू प्रशासन की तरफ से क्या शिकायतें उन्हें मिली हैं और उस पर दिल्ली पुलिस किस तरह से अंदर एक्शन लेगी। और अभी लेकिन जो अधिकारियों से हमारी फोन पे बात हुई, उनका कहना है कि अभी अंदर जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, किसी भी छात्र को जो अंदर है उसे बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, कोशिश की जा रही की जो हालात है वो पूरी तरह से सामान्य हो पाए। जी प्रशांत, बिल्कुल। और ये तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जिस तरह से जानकारी दी जा रही है अब कैंपस के बाहर, ये कैंपस के भीतर की तस्वीरें देखिए। पुलिस भीतर दाखिल हो गई है जब उन्हें औपचारिक रूप से इसकी शिकायत मिली है जेएनयू की ओर से कि आखिर यहां हिंसक झड़प हुई है। उसके बाद अब फिलहाल हालात कंट्रोल में बताए जा रहे हैं, लेकिन गेट बंद कर दिया गया है, यानी जो भी भीतर थे इनसे अब पूछताछ होगी और जो भी कानूनी कार्रवाई है पुलिस वो करेगी। शिकायत मिलने के बाद अब पुलिस दाखिल हो चुकी है जेएनयू के भीतर। हम दर्शकों को ये भी बता दें कि इसी गेट के बाहर कुछ छात्र संगठन से जुड़े लोग भी मौजूद हैं और आरोप ये लगा रहे हैं कि दरअसल फीस हाइक के बाद ये विवाद भड़ा। हाँ जी, दुर्गेश कुमार एबीवीपी के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्गेश, ये हिंसक झड़प की नौबत क्यों आई, फिर एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे एबीवीपी छात्र संगठन से जुड़े दुर्गेश। और ये तस्वीर हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, जेएनयू के भीतर की तस्वीर है, दरवाजा बंद कर दिया गया है, बड़ी तादाद में पुलिस बल भी तैनात है, हिंसक झड़प हुई है। आरोप लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन लगा रहे हैं एबीवीपी पर, और एबीवीपी का कहना है कि लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन छात्रों को रजिस्ट्रेशन से लगातार रोक रहे थे। आनंद, क्या ताजा तस्वीरें और क्या ताजा हालात? जी देखिए प्रशांत, बिल्कुल जो स्थिति हम आपको दिखाएं अभी वैसे ही बनी हुई है। यहाँ पे देखिए तमाम जो अधिकारी हैं, बिल्कुल जो जेएनयू कैंपस का जो मेन गेट है उसके पास खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं ये जॉइंट सीपी जो है वो डीसीपी से यहाँ पर पूरी बातचीत कर रहे हैं, और अंदर पूरा जो है जहाँ पर ये पूरी झड़प हुई थी दो छात्रों के गुटों में, वहाँ का पूरा मौका मुआयना करके जो तमाम अधिकारी वहाँ आए हैं, पूरा जो पुलिस अमला है वो यहाँ पर मौजूद है साउथ वेस्ट जिले का, और लगातार जो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर है वहाँ पर भी पूरी रिपोर्ट दी जा रही है कि अंदर जो हालात है वो किस तरह से हैं, उसकी रिपोर्ट लगातार यहाँ से जो अफसर हैं वो दे रहे हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि जो स्थिति है उसे अंदर नियंत्रण में किया जाए। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो दिल्ली पुलिस ने शुरू में ही बोला था कि जेएनयू प्रशासन की तरफ से वाइस चांसलर की तरफ से जो भी शिकायतें मिलेंगी पुलिस उस पर कानूनी कार्रवाई करेगी। अंदर जो फुटेज हैं जो जिसमें अगर मारपीट करते हुए जो लोग भी नजर आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, यहाँ पे जो बाकायदा एंट्री होती है एग्जिट होती है उसमें जो सिक्योरिटी स्टाफ है उससे भी पूछताछ की जाएगी कि कौन लोग हैं जो यहाँ पर आए थे, किस तरह से ये पूरी घटना हुई है, वो तमाम चीज़ों को सीक्वेंस को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। लेकिन पहली प्राथमिकता ये है जेएनयू प्रशासन की भी और दिल्ली पुलिस की भी कि अंदर जो है वो अब शांति बनी रहे, जो झड़प है वो फिर से ना हो पाए और जो छात्र हैं वो उग्र ना हो, क्योंकि अंदर रेसिडेंशियल एरिया भी है, कई जो प्रोफेसर है वो यहाँ पर रहते हैं और उनमें भी काफ़ी दहशत का माहौल था। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर जो है यहाँ पर अपनी बातचीत कर रहे हैं, आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि जो स्थिति है उसको नियंत्रण में कहा जाए। लेकिन ये बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ प्रशांत, यहाँ पर लगातार जो है
वो जो छात्र हैं वो लगातार यहाँ पर लेफ्ट के छात्रों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर टुकड़े टुकड़े गैंग मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको बाहर की दिखा रहा हूँ। पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात है और लगातार भारत माता की जय के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। और जो आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें सीधे देख सकते हैं यहाँ पर आपकी, इन लोगों की लगातार ये मांग थी कि अंदर लेफ्ट पार्टी की तरफ से मारपीट की गई है। पहले आरोप प्रत्यारोप के जो दौर हैं वो लगातार जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं बाहर। तो ये तस्वीरें प्रशांत हम आपको दिखा रहे हैं जी। और ये नारेबाजी भी हो रही है कैंपस के बाहर, नारेबाजी एबीवीपी के ये छात्र। लेकिन कुछ छात्र जो घायल हुए हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी दर्शकों को सुना रहे हैं। मेरे रूम में घुस के, आई वाज इन माय फ्रेंड्स रूम, साबरमती से चुरबन लड़की का नाम, वो लोग बाहर से घुसे रूम को, पैंस विंडो पैंस तोड़ दिए और रूम का दरवाजा तोड़ दिया। देन दे इंटर एंड दे हिट अस और हम बालकनी से बाहर निकलने का कोशिश किया और वो पीछे से लोग मार रहे थे और हम नीचे गिरे। एंड देन हां अंदर अंदर के लिए छोड़ दिया और साथ में मेरे फ्रेंड्स को भी। अरे चलो यार, अब आपके हिसाब से कौन है इसके पीछे? ये बीबीपी कॉन्स जो है दे वर हिटिंग वैंडलाइज द इंस्टीट्यूशन। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जेएनयू कैंपस के भीतर की, जहां अब पुलिस का अमला तैनात है और बताया ये जा रहा है कि हालात अब नियंत्रण में है, लेकिन दरवाजा बंद कर दिया गया, गेट जेएनयू का पूरी तरह से बंद है। एक के बाद एक कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं, कुछ घायल छात्र छात्राओं के ये वीडियो हैं जिन्हें अब एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, कई लोग घायल हैं। तो अब ये मामला हिंसक रूप ले चुका है। और ये जेएनयू के बाहर देखिए एम्बुलेंस की तैनाती, यानी जो छात्र घायल हैं भीतर अभी गेट बंद है, वहां कई छात्र अभी भी घायल हो सकते हैं जिन्हें लेकर जाया जाएगा। लेकिन पुलिस का दस्ता भी अंदर जा चुका है। कहना यह है पुलिस का कि हालात कंट्रोल में है, लेकिन पूछताछ अब होगी और यह समझने की कोशिश कि आखिर यह नौबत क्यों आई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस जेएनयू कैंपस के बाहर, गेट के बाहर छात्रों का एक दल लगातार नारेबाजी भी कर रहा है और आरोप यह लगाया जा रहा है कि लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन रजिस्ट्रेशन करवाने से रोक रहे थे और इसीलिए ये नौबत आई। विवाद लगातार बढ़ता चला गया, लेकिन एबीवीपी पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन लोगों ने मारपीट की है, कई लोग घायल हुए हैं। एक और घायल छात्र खुद क्या बता रहा है इस हालात के बारे में, वो भी सुनते हैं। पिछले दो महीनों से जेएनयू कैंपस के अंदर लगातार वामपंथी गिरोह, जो नक्सली गिरोह है, इनके माध्यम से जेएनयू के शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण रूप से बाधित कर दिया गया। पहले स्टूडेंट्स को क्लास नहीं लेने दिया गया, उसके बाद स्टूडेंट्स को पेपर नहीं लेने दिया गया, उसके बाद ही स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करने से रोक रहे थे। और आज जब स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करने के लिए सामने आए, उन्होंने बोला कि वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, इस बात से गुस्से में आए हुए वामपंथी गिरोह ने, नक्सली उन्हें हॉस्टल में घुस घुस करके जिन छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करने के लिए मांग की थी उनको मारा है, बहुत पूरे तरीके से मारा है। लाठी डंडा रॉड जो भी उनके हाथ में था उन्होंने पूरे तरीके से उनके ऊपर हमला किया है। बहुत सारे छात्र हैं जो घायल हो गए हैं, सारे के सारे लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट कराए। तो ये स्टूडेंट्स के भी लगातार बयान आ रहे हैं, पुलिस वहां पर पहुंची हुई है, बातचीत छात्रों से हो रही है कि आखिर ये नौबत क्यों आई है। और नारेबाजी भी, आनंद तिवारी हमारे सहयोगी यहीं मौजूद हैं। आनंद, छात्रों से बातचीत करने की कोशिश कर रही है पुलिस, क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए बिल्कुल, यहाँ जी क्यों पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, तो यू आर गोइंग टू एंटर द प्रमाइसेस और जाने देंगे तो हमको अंदर? आप स्टूडेंट हैं? नहीं, पर अगर दो बच्चे लड़कियां मिल ही जो मुझसे छोटी हैं उम्र में, वो रो रहे हैं रोड पे और बोल रहे हैं कि अंदर एबीवीपी के लोग उन्हें मार रहे हैं, तो क्या हम क्या चले जाएंगे घर? नहीं जाएंगे ना। हम लोग को बोल रहे थे, हम लोग इधर आ रहे थे, मेरे दोस्त यहाँ रहते हैं। अच्छा, कोई नहीं, आपने जो देखा वो बता दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी फोर्स तो यहाँ पर तैनात पड़ी है और अंदर से रिपोर्ट आ रही है कि अंदर हॉस्टल्स में घुस घुस के स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल जा रहे हैं और यहाँ पुलिस दरवाजा बंद करके खड़ी है। अंदर जहाँ स्टूडेंट्स की पिटाई हो रही है वहाँ कोई नहीं है पुलिस उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। जेएनयूएसयू प्रेसिडेंट का सर फट चुका है, यहाँ पे सीएसआरडी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर उनका सर फटा है, वो हॉस्पिटल में हैं।
लेकिन पुलिस यहाँ आपको हमें रोक रही है अंदर जाने से, लेकिन जो अंदर गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको नहीं रोक रही है। पहली बार इस देश में ऐसा हो रहा है कि कैंपस में पिछले पौने दो घंटे से गुंडागर्दी हो रही है। सारा मीडिया यहाँ बाहर खड़ा है, हर कोई जानता है कैंपस में हॉस्टल्स को तोड़ा जा रहा है। आपने वीडियोस देखे होंगे, गर्ल्स हॉस्टल के वीडियो हैं, डंडे लेके लोग मार रहे हैं, लड़कियां जान बचा के भाग रही हैं, प्रोफेसर का सर पटा है, जेएनयू यूनियन के प्रेसिडेंट का सर पटा हुआ है, और पुलिस नहीं है। पुलिस है सिर्फ मुझे आपको रोकने के लिए है और किसी काम के लिए नहीं है। आप देखिए, जब मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ तो पीछे से क्या कुछ हो रहा है। इस वक्त जब मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ, इस वक्त मुझे बात करने से रोका जा रहा है। ये जो पीछे नारे लगाए जा रहे हैं, यही वो गुंडागर्दी है जो आप अंदर देख रहे हैं। उस गुंडागर्दी का एक छोटा नमूना यहाँ है, और इन्हीं के सहयोगी अंदर इस वक्त कैंपस में बैठ के पिटाई कर रहे हैं, लाठियां हैं, पत्थर हैं। बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे साथ। नलिन जी, योगेंद्र यादव कह रहे हैं दो घंटे से गुंडागर्दी भीतर हो रही है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ये आखिर हालात कैसे? पहली बात तो इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि जेएनयू के अंदर ही कई ऐसे छात्र थे, खासकर वामपंथी दलों के समर्थक, जिन्होंने अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे, जिसके लिए अब एक शब्द किया जाता है प्रयोग, टुकड़े टुकड़े गैंग। तो वहां पर एक मानसिकता है कई छात्रों में जो पढ़ाई के लिए कम आते हैं और इस प्रकार की सोच को रख के शायद व्याकुल हो गए होंगे अब उसे हिंसक हिंसा में बदलने के लिए। योगेंद्र यादव जी या कोई और इसमें कांग्रेस या कोई और पार्टी भी इसमें कुछ कहे, कहने से पहले इस बात का तो कम से कम वर्णन और याद करें कि किस प्रकार की मानसिकता और सोच है। नलिन जी, बने रहे, आप कह रहे हैं कि क्या बयान आएगा, तो कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रमोद तिवारी जी, ये जो हिंसक झड़प हो रही है, क्यों नौबत आई है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। शिक्षण संस्थानों के अंदर हिंसा के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, कहीं भी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। पर नलिन जी की बात से मुझे आज एक थोड़ी सी चौंकाने वाली बात है। वो कह रहे हैं कि वहां वातावरण बड़ा खराब है, टुकड़े टुकड़े गैंग। अरे, इनकी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, वो तो मेरी जानकारी अभी तो टुकड़े टुकड़े गैंग की कॉलेज से पढ़ी हुई। आवाज आपकी, आज की जो घटना है इसको आगे तक ठीक कर रखा जाए, किसी कॉलेज को संस्थान को कोई सर्टिफिकेट देना ठीक नहीं है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम जो समझ पा रहे हैं आपकी आवाज से, इस तरह के हालात नहीं होने चाहिए। लेकिन जो अलग अलग छात्र संगठन है, लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन और एबीवीपी जो बीजेपी का छात्र संगठन माना जाता है, अब इनका आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। लेफ्ट वालों का कहना है कि एबीवीपी के लोगों ने इन्हें जबरदस्त पीटा है, और एबीवीपी वालों का कहना है कि रजिस्ट्रेशन करने से रोका जा रहा था और इसलिए ये नौबत आई है। नलिन कोहली जी, ये आखिर हालात क्यों बने हैं? कोई जानकारी मिली है इस ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए कोई कदम उठाए जा सकते हैं? इसकी जानकारी स्वाभाविक है, कभी ना कभी निकल ही आएगी। लेकिन प्रमोद जी ने निर्मला जी का नाम लिया जी। तो मैंने तो पहले ही अपने बयान में कहा कुछ ऐसे छात्र हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के भाग होकर हिंसा में मानसिकता रखने वाले लोग, देश का विभाजन चाहने वाले लोग, आतंकवादियों के समर्थन में खड़े होने वाले लोग, वो कुछ हैं। और उन लोग बाकी जो पढ़ाई के लिए वहां जाते हैं वो अपनी जिंदगी में पढ़ाई के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। निर्मला जी और अन्य राजनीतिक दलों में भी कई लोग जो है पढ़ाई और मेहनत के आधार पर देश की सेवा में लगे हुए हैं जी। इन दोनों को तो अलग करना पड़ेगा, लेकिन एक ब्लैंकेट अप्रोच से सबको साथ जोड़ देना, कांग्रेस और कई अन्य दल ऐसे हैं वो इन लोगों के ऐसे तत्वों का समर्थन करके देश में शांति भंग हो, देश में एक गलत मानसिकता बढ़े, उसको नजरअंदाज करते हुए इस बात में लगे हुए हैं। प्रमोद तिवारी जी, ब्लैंकेट अप्रोच है और ये आपकी मंशा पर सीधे सवाल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत और नियंत्रण में भारत सरकार मिलने पाएगी, और इतना
जो सिस्टर था जिसमें बहुत लोग रहे हैं वहां प्रारंभिक रिपोर्ट आई है कि पुलिस वो दर्शक बन जाएगी, चिंता का विषय है। अगर वहां कोई घटना हुई कोई कर रहा था, सबसे बड़ी बात तो प्रेसिडेंट को छोड़ता ही है ज्यादा और लोगों को छोड़ता रही है। हम लोग इतिहास में रह जाए आखिर को अजीत रखें ये हालात नहीं होने चाहिए थे, ये हर कोई मान रहा है, लेकिन ये हालात क्यों बने? नलिन कोहली जी, ये आखिर इस तरह के हालात ना हो, कोई ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं कि फिर कभी इस तरह के टकराव की नौबत ना हो? पहली बात, हर व्यक्ति हम हैं, प्रमोद जी ने भी इस बात को रखा, हिंसा के विरुद्ध खड़े हैं और व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक रूप से हर रूप से लोकतंत्र में किसी को अपनी बात रखनी है, पूरा अधिकार है, पूर्ण अधिकार है, लेकिन हिंसक मानसिकता के आधार पे नहीं और हिंसा के आधार पे नहीं। इस वक्त एक देश में माहौल कई लोग बना रहे हैं जो हिंसा को भी नजरअंदाज कर रहे हैं हर विषय पे, और कई तो राजनीतिक दल गुमराह करने में भी कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या इनकी तारे आज की घटना से जुड़ती हैं, ये भी देखना पड़ेगा। केवल एक आरोप प्रति आरोप से नजरअंदाज करना असली कारणों को, उससे कुछ नहीं निकलेगा। जनता इत्तेफाक रखती इस बात से कि ये हालात नहीं बनने चाहिए थे, लेकिन जेएनयू अक्सर विवादों में आ जाता है, इस तरह की वारदातों के लिए लगातार चर्चा देश भर में होती है। कोहली जी, जनता क्या इस तरह से भी इसे देखे कि दरअसल जो राजनीतिक दल हैं ये कहीं कहीं अपना इसमें नफा नुकसान भी देखते रहते हैं और इसलिए भी ये नौबत आती है? क्या राजनीतिक दल इस पर काबू नहीं करवाने की कोशिश नहीं कर सकते? उनसे ही जुड़े छात्र संगठन है। भारत के हर नागरिक के मन में देश के प्रति प्रेम, स्नेह और देश को मजबूत करने की राष्ट्रवादी सोच है, और कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो भारत के विभाजन की बात करते हैं, आतंकवादी हिंसक सोच को समर्थन करते हैं औपचारिक अनौपचारिक रूप से, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बिना देश के बिना विचार किए हुए कि देश पर क्या फर्क पड़ सकता है, कैसे आम जनता की जिंदगी भंग हो सकती है ऐसी सोच को बढ़ावा मिलने से, कुछ राजनीतिक दल इनको भी हवा देते हैं ऐसी मानसिकता और सोच को। ये बंद करना ही पड़ेगा क्योंकि हम सबका देश एक है जी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि राष्ट्र आगे हो, राष्ट्र के बाद हमारे जो भी संगठन हो कुछ भी, और व्यक्ति आखिर में, तो देश को तो मजबूत करना हर व्यक्ति का दायित्व है और ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है जी। कोहली जी, लेकिन अगर हम जेएनयू पर फोकस करें तो ये छात्रों की मांग लगातार शुरू से ये रही कि जो फीस हाइक हुई है ये गलत है, इसे वापस लिया जाए, इसे लेकर के लगातार अशांति थी, विरोध प्रदर्शन, क्या इसे शुरू से ही काबू करने में नाकामी रही प्रशासनिक व्यवस्था की? नहीं, मैं एक रूप और कहूंगा। देखिए, किसी भी छात्र की कोई बात हो जी, बिल्कुल रखने का अधिकार है, वो भी तो भारतीय नागरिक है और उनके पास भी वही अधिकार है जो आपके मेरे किसी भी भारतीय नागरिक के पास हो जी, अपनी बात रखने का। लेकिन जहां पर ये छात्र कहीं पर भी अपनी बात को रखने के लिए हिंसक हो जाते हैं या हिंसा का प्रयोग करते हैं, जैसे हमने देखा सड़कों पे उतर गए, आम जनता को तकलीफ के साथ साथ वहां पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने में लग गए जी, जो आम जनता की संपत्ति है, तो इसलिए उसके बाद फिर विवाद तो बढ़ता ही है जी। दूसरी बात है कि यदि उनकी कोई मांग हो, कुछ हो, तो बातचीत के आधार पर करें, लेकिन जो वामपंथी दल है वो हर चीज जो है जो भाजपा से जुड़ी है उसका तुरंत विरोध करते हैं बिना कोई उस पर अर्थ लगाए हुए या कोई विजय के, कि नहीं हम भाजपा है इनसे नहीं बात करेंगे, भाजपा पे आरोप प्रति आरोप, यही बात एबीवीपी के लोग कह रहे हैं आज आरोप प्रति, लेकिन संख्या में आप इसको याद रखिएगा एबीवीपी की संख्या वहां कम है, छोटा दल है वो आज जेएनयू में, जेएनयू में वामपंथी दलों का गढ़ रहा है और कहीं ना कहीं वो शायद इस बात से घबरा रहे होंगे कि पूरे देश में एक राष्ट्रवादी सोच बढ़ रही है जहां वामपंथी हिंसा के खिलाफ लोग एकजुट हो रहे हैं, तो शायद ऐसी इसीलिए जी इसको आप ये कह रहे हैं कि लेफ्ट से जुड़े संगठन का वर्चस्व जेएनयू में। अतुल अंजान इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, आप बने रहे हमारे साथ। अतुल अंजान साहब, ये आखिर नौबत क्यों जेएनयू के भीतर ही, और तादाद तो लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन की वहां पर ज्यादा है वर्चस्व में? देखिए, जो लोग देश के अंदर हिंसा सरकारी तंत्र का प्रयोग करके कर रहे हैं, वही इस दिल्ली के अंदर भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को एक प्रयोगशाला बना रहे हैं। अरे भाई, चुनाव में हार गए,
चुनाव राजनीतिक रूप से वैचारिक रूप से मान नहीं मिल रहा, आप उनकी एक अध्यक्ष को आप पीट रहे हैं, लहूलुहान कर रहे हैं, ये कौन सी राजनीति है? ये मुंह में कपड़ा लगा करके अपनी आइडेंटिटी अपना चेहरा छिपा कर ये आतंक की राजनीति करने से कुछ नहीं होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रवर और अपने जेएनयू के प्रिय छात्रों से और तमाम छात्र नेताओं से कहना चाहता हूं, मैं भी एक छोटे से विश्वविद्यालय जिसका नाम है लखनऊ विश्वविद्यालय जी, जहां 1.5 लाख विद्यार्थी पढ़ते थे जी, उसका 6 साल तक लगातार अध्यक्ष रहा हूं, जिसके छात्र संघ का कोष जो था